सो हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खतरनाक क्रिएशन। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप मेरे जैसा लोगो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, आपको पता ही होगा ये जो लोगो मैं हर फोटो में अपने यूज़ करता हूँ, एंड काफ़ी टाइम से मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि आप अपने जैसा लोगो क्रिएट करना सिखाओ। सो गाइस, फाइनली मैं यहाँ पे ट्यूटोरियल लेकर आ चुका हूँ। एंड गाइस, आपको पता ही होगा मैंने रिसेंटली वीडियो में गिव अवे रखा था, जिसमें गाइस जो भी विनर होता है उसको मैं इंस्टाग्राम पे शॉर्ट आउट दूंगा। सो गाइस, उसी का विनर जो है मैं अनाउंस करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो में आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहेगा। सो गाइज, हम करने वाले हैं ऐसे विनर अनाउंस। एंड गाइज, जो सातवें नंबर पे आएगा वही विनर होगा, पहले नंबर वाला विनर नहीं होगा, ठीक है। तो हम यहाँ से कर देते हैं स्टार्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक। एंड गाइज, स्टार्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं गाइज पहले नंबर पे कौन आता है, हम देखते हैं यहाँ से। सो पहले नंबर पे आए हैं यहाँ से उत्कर्ष कुमार, जो पहले नंबर पे आए। एंड गाइज, जो सातवें नंबर पे आएगा वही विनर होगा, ठीक है। एंड गाइज, दूसरा हमने कर दिया यहाँ से पिक। एंड दूसरे नंबर पे कौन आया है, शादान खान। एंड गाइज, पिक अनदर, हम विनर फिर से क्लिक करेंगे। एंड देखते हैं अब थर्ड नंबर पे आता कौन है। तो गाइज, सिंपली हमने कर दिया यहाँ से पिक। पिक करने के बाद यहाँ से गाइज जो थर्ड नंबर पे आए हैं वो हैं सोहेल खान। एंड गाइज, अब हम कर देते हैं फोर्थ पिक। सो गाइज, जो सातवें नंबर पे आएगा वही विनर होगा, मैंने आपको बताया था कि हमने पिक वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है। एंड सातवें नंबर पे जो फोर्थ नंबर पे आया वो आया है भुवनेश मलब। तो यहाँ से हम फिफ्थ कर देते हैं पिक। एंड फिफ्थ नंबर पर जो आए हैं गाइज वो हैं अनमोल पाल। सो गाइज, हम सिक्स वाला पिक कर देते हैं यहाँ से, पिक अनदर विनर। एंड सिक्स नंबर पे देखते हैं कौन आता है। सो गाइज, सिक्स नंबर पे फिर से वही हैं भुवनेश मलब। अब देखते हैं गाइज सेवन नंबर पे कौन आता है, एंड जो भी आएगा गाइज वो ही विनर बनेगा इस जो गिव अवे का। सो गाइज, यहाँ से आए हैं सेवन नंबर पे, देख सकते हैं गाइज ए के अरमान। एंड गाइज, इसको मैं आज अभी इंस्टाग्राम पर शॉर्ट आउट दूंगा एंड यही विनर बनाए। सो गाइज, ए के अरमान जो विनर बने हैं इस गिव अवे के, एंड बहुत जल्दी मैं और भी गिव अवे रखने वाला हूँ गाइज। तो चलिए गाइज, बिना टाइम वेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, सबसे पहले तो आपको वाइट बैकग्राउंड है वो सिलेक्ट करना है पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में, एंड आपको स्क्रॉल डाउन करना है। फिर आपको आना है ऐसे ड्रॉ टूल पर। एंड गाइज, ड्रॉ टूल पर आने के बाद अब गाइज आपको यहाँ से ब्लैक कलर सेलेक्ट करना ही है। उसके बाद आपको ऊपर वाले टूल सेलेक्ट करना है। ऊपर वाले टूल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से गाइज आपको ट्राइंगल सेलेक्ट करना है सिंपली। एंड इसका जो साइज है वो गाइज आपको फुल ही रखना है, एंड ओपेसिटी है उसको भी गाइज आपको फुल रखना है। इसको फुल रखने के बाद आपको फिल वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, एंड आपको ओके वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको बैकग्राउंड पर इसको गाइस ड्रॉ कर देना है जिस टाइप से आप ड्रॉ करना चाहते हैं, जैसे मैं आप कर रहा हूँ वैसे ही कम ना आकर आपको। उसके बाद गाइस आपको सिंपली कहीं पे भी टैप करना है। एंड गाइस, टैप करने के बाद आपको लेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके आपको गाइस एम्प्टी लेयर क्रिएट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद गाइस आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है वाइट कलर। वाइट कलर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से गाइस आपको ट्राइंगल ही सिलेक्ट करना है। एंड गाइज, ट्रायंगल को सिलेक्ट करने के बाद कुछ इस टाइप से गाइज आपको ड्रॉ कर देना है, जैसे गाइज मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ड्रॉ करने के बाद गाइज आपको कहीं पे भी टैप करना है, एंड टैप करने के बाद गाइज आपको फिर आना है लेयर वाला ऑप्शन पे, एंड प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके इसकी भी गाइज आपको एक एम्प्टी लेयर क्रिएट करना होगा, ठीक है। तो लेयर वाला ऑप्शन पे आएंगे एंड प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके एक एम्प्टी लेयर क्रिएट कर लेंगे हम यहाँ से। सो गाइज, एम्प्टी लेयर को क्रिएट करने के बाद वाइट बैकग्राउंड आपको फिर से सिलेक्ट करना ही है, एंड आपको ये वाला टूल सेलेक्ट करना है। इसको गाइज आपको रेक्टेंगल सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब रेक्टेंगल को सिलेक्ट करने के बाद सिंपली गाइज आपको इसको थोड़ा सा उल्टा करना है, एंड इस टाइप से एडजस्ट कर देना है जैसे गाइज मैं कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको लेयर वाला ऑप्शन पे आना है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है, इसको मर्ज कर देना है। तो मर्ज करने के बाद जो सारे आपको पार्ट्स दिख रहे हैं लेयर्स के, उन सभी को गाइज आपको सिंपली मर्ज कर देना है। सो मर्ज करने के बाद गाइज आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको सिंपली थ्री डॉट पे जाकर इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद फिर आपको ओपन करना है बैकग्राउंड इरेजर ऐप, जो ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगी, वहाँ आकर सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपने जो सेव करा था उसको सिलेक्ट करना है, एंड इसको हम करेंगे पीएनजी में कन्वर्ट। तो उसके लिए सिंपली इसको क्रॉप करेंगे, डन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। एंड डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको सेकंड वाला टूल सिलेक्ट करना है, ऑटो वाला, एंड आपको वाइट पे टैप कर देना है। तो ऑटोमेटिक आपको जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाएगा, एंड आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से आपको इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद फिर आपको पिक्सआर्ट एप्लीकेशन ओपन करना है। एंड गाइस, पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद फिर गाइस आपको प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है, एंड आपको फोटो वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने जो अभी सेव करा था पीएनजी में कन्वर्ट करके उसको आपको सिलेक्ट करना है, एंड आपको डन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इसको गाइस आपको उल्टा करना है, एंड आपको अपने लोगो के जो नीचे की साइड इसको एडजस्ट करना है जैसे गाइस मैं कर रहा हूँ। उसके बाद गाइस आपको सिंपली कहीं पे भी टैप करना है, एंड आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, एक एम्प्टी लेयर क्रिएट कर लेना गाइस यहाँ से। एम्प्टी लेयर को क्रिएट करने के बाद फिर गाइस आपको फोटो वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, एंड आपको वही आपको सिलेक्ट करना है फिर से। इसको गाइस नीचे का जो पार्ट है उसको गाइस आपको सिंपली कॉपी करना है, जो क्रॉप होता है क्रॉप करना है। उसके बाद आपको डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करके नीचे इस टाइप से एडजस्ट करना है जैसे गाइस मैं कर रहा हूँ। उसके बाद ट्रांसफॉर्म में जाकर आज बाद में भी कर सकते हैं इसको ट्रांसफॉर्म, एंड उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको थ्री डॉट पे जाकर मर्ज कर देना है।
सो गाइज मर्ज करने के बाद सिंपली अब हम थोड़ी सी डिजाइन डालेंगे, तो उसके लिए एम पिट लेयर एक और क्रिएट कर लेंगे एंड हम व्हाइट कलर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको सर्कल सेलेक्ट करना है, सर्कल को सिलेक्ट करने के बाद कुछ इस टाइप से डिजाइन डालना है, जैसे कि मैं डाल रहा हूँ देख सकते हैं इस टाइप से आपको डिजाइन डालना है तीनों की तरफ। तो गाइज तीनों तरफ जब आप डिज़ाइन डाल लो उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, ऐसे थ्री डॉट पे जाके इस फोटो को गाइज आपको सिंपली सेव कर लेना है, ठीक है। तो डिज़ाइन गाइज देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ओसम लग रही है यहाँ से। तो उसके बाद आपको थ्री डॉट पे जाके इसको सेव करना है, सेव करने के बाद अब आपको करना है पिक्सल लैब एप्लीकेशन ओपन, एंड ओपन करने के बाद गाइज आपको सिंपली व्हाइट जो बैकग्राउंड है उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद गाइज देख सकते हैं सेकंड नंबर पर आपको ए वाला ऑप्शन मिलेगा, ए वाला ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक करना है। गाइज इस पर क्लिक करने के बाद आपको ऊपर मिलेगा टेक्स्ट वाला ऑप्शन, तो इस वाला ऑप्शन पे गाइज आपको सिंपली क्लिक करना है एंड आपको न्यू टेक्स्ट का ऑप्शन देखेगा, इसको गाइज आपको सिंपली बीच में रखना है एंड आपको डबल टैप करना है। इस पर गाइज आपको सिंपली टाइप कर देना है जो आपको नाम रखना चाहते हैं, तो हम रखेंगे खतरनाक क्रिएशन एंड इसको हम कर देते हैं एडजस्ट। उसके बाद गाइज आपको यहाँ से फॉन्ट चेंज करना है, तो गाइज सिंपली आपको फॉन्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड जो थर्ड नंबर का फॉन्ट है वही मैं यूज़ करूँगा जो फोर्थ नंबर पर, देख सकते हैं यही बहुत बेस्ट लगा मुझे फॉन्ट, इस वजह से मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ। उसके बाद गाइज आपको कुछ भी नहीं करना है, लास्ट में आपको मिलेगा फोर्थ नंबर पे ये वाला ऑप्शन, इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड सेकंड नंबर पे आपको मिलेगा ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन, जिससे गाइज ये पीएनजी में कन्वर्ट होएगा। उसके बाद आपको सिंपली इसको गाइज आपको सेव कर लेना है, तो सेव इमेज पे क्लिक करने के बाद सेव टू गैलरी पे आपको क्लिक कर देना है, तो ये गैलरी में आपको सेव हो जाएगा सिंपली। उसके बाद गाइज आपको फिर से आना है पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में एंड आपको एडजस्ट कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सो गाइज यहाँ से गाइज आपको बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं करना है, तो अच्छे से नहीं हो पाएगा जो टेक्स्ट आपका है एडजस्ट। तो सिंपली गाइज आपको बैक आना है, बैक आने के बाद आपको ऐड फोटो में जाना है, ऐड फोटो में जाने के बाद यहाँ से जो टेक्स्ट अभी आपने करा था इंपोर्ट उसका आपको सिंपली सिलेक्ट करना है। गाइज सिलेक्ट करने के बाद सिंपली इसको ही आपको एडजस्ट करना है, एडजस्ट करने के बाद आपको एडजस्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके इसको ब्लैक कर देना है, थोड़ा सा जो ब्राइटनेस है उसको कम कर देना है एंड आपको सिंपली इसको सेव कर लेना है। अब हम करेंगे इसको पीएनजी में कन्वर्ट, जिससे हमारा लोगो एकदम अच्छे तरीके से क्रिएट हो जाएगा। इस उसके बाद हम जाएंगे बैकग्राउंड इरेजर वाला ऑप्शन पे एंड आपको लोड अप फोटो पे क्लिक करना है, लोड अप फोटो पे क्लिक करने के बाद आपको लोगो सेलेक्ट करना है एंड आपको डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है क्रॉप करने के बाद। उसके बाद आपको सेकंड वाला ऑटो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है एंड इसको गाइस आपको व्हाइट पार्ट पर इसको सिंपली ड्रॉ कर देना है, जिससे गाइस हमारा जो व्हाइट पार्ट है वो ड्रॉ हो जाए एंड वो भी रिमूव हो जाए। सो गाइस देख सकते हैं लोगो हमारा क्रिएट हो चुका है, बट गाइस कुछ कुछ पार्ट हैं जो व्हाइट दिख रहे हैं इसको भी हम ब्लैक कर देते हैं। सो गाइस देख सकते हैं जो लोगो हमारा एकदम अच्छे तरीके से क्रिएट हो चुका है एंड इसको गाइस सिंपली आपको सेव कर देना है। सो गाइज लोगो हमारे यहाँ से क्रिएट हो चुका है, देख सकते हैं एंड आपको वीडियो कैसी लगी गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक और गाइज शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।